असलम डियर व्यूअर्स एंड लर्नर्स आज का हमारा सेशन बहुत इम्पॉटेंट है इस हवाले से कि जो स्पीकिंग करना चाहते हैं इंग्लिश को सीखने के साथ साथ वो चाहते हैं कि वो अपने रोजमर्रा ज़िंदगी में इंग्लिश को बोलें दूसरों से कम्युनिकेट करें सो so ऐसे आज कल का मौसम भी ऐसा ही चल रहा है और शदीद गर्मी और जब हफ्स का मौसम होता है और बारिश का मौसम बन रहा होता है तो हमें बात का इंग्लिश बोलने में कुछ अल्फाज की दिक्कत आती है मुश्किल आती है तो ऐसी सूरत हाल से आप कैसे अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग के थ्रू एक अपने आप को प्रूव कर सकते हैं कि आपको इंग्लिश अच्छी आती है इस तो हवाले से ये कम्बिनेशन है फिफ्टी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस जो आपको शदीद गर्मी और बारिश के मौसम में आपको बोलने की ज़रूरत पड़ती है सो इस हवाले से आप ये सीखेंगे आज के सेशन में तो लेट स्टार्ट दीद गर्मी और बारिश के मौसम में बोलने बोले जाने वाले जुमले आज बहुत ज्यादा गर्मी है इट्स एक्सट्रीमली हॉट टूडे सूरज की गर्मी नाकबले बर्दाश्त है द सन्स हीट इज अनबियरेबल दीट इज अनबियरेबल हमें दिन के वक्त बाहर नहीं जाना चाहिए हमें I mean, दिन के वक्त बाहर नहीं जाना चाहिए वी शुड नॉट गो आउटसाइड ड्यूरिंग द डे पानी पीना बहुत ज़रूरी है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रिंक वाटर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रिंक वाटर साया में रहना बेहतर है इट्स बेटर टू स्टे इन द शेड इट्स बेटर टू स्टे इन द शेट गर्मी में ज्यादा सफर ना करें गर्मी में ज्यादा सफर ना करें डोंट ट्रेवल टू मच इन द हीट ए सी के बगैर गुजारा मुश्किल है इट्स हार्ड टू तो मैनेज विदाउट ए सी इट्स हार्ड टू तो मैनेज विदाउट ए सी घर के अंदर रहना ज्यादा महफूज है घर के अंदर रहना ज्यादा महफूज है इट्स सेफर टू स्टे इनडोर्स जल्दी बाहर निकलना बेहतर है ताकि धूप से बचा जा सके इट्स बेटर टू गो आउट अर्ली टू अवॉइड द सन इट्स बेटर टू गो आउट अर्ली टू अवॉइड द सन हल्के कपड़े पहनना चाहिए हल्के कपड़े पहनना चाहिए वन शुड वी लाइट क्लोथिज दोपहर को बाहर खेलना खतरनाक हो सकता है दोपहर को बाहर खेलना खतरनाक हो सकता है प्लेइंग आउटसाइड इन द आफ्टरनून कैन बी डेंजरस पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है आई एम स्विटिंग अलॉट आई एम स्विटिंग अलॉट गर्मी के मौसम में ठंडी चीजें खानी चाहिए वी शुड ईट कोल्ड थिंग्स इन द हॉट सीजन धूप में लंबे वक्त तक ना रुकें धूप में लंबे वक्त तक ना रुकें डोंट स्टे इन द सन फॉर लॉन्ग पीरियड सर पर कपड़ा रखना चाहिए यू शुड कवर यूर हैड यू शुड कवर यूर हैड लू लगने का खतरा है लू लगने का खतरा है देर इज अ रिस्क ऑफ हीट स्ट्रोक पानी की बोतल हमेशा साथ रखें ऑलवेज कैरी अ वाटर बॉटल गर्मी में जल्दी थकावट हो जाती है यू गेट टायर्ड क्विकली इन द हीट यू गेट टायर्ड क्विकली इन द हीट पसीने की वजह से कपड़े गीले हो जाते हैं क्लोद गेट वेट बिकॉज ऑफ स्वेट गेट वेट बिकॉज ऑफ स्वेट फलों का ज्यादा इस्तेमाल करें कंज्यूम मोर फ्रूट दिन भर तो की कमी महसूस होती है यू फील लो ऑन एनर्जी थ्रू आउट द डे यू फील लो ऑन एनर्जी थ्रू आउट द डे गर्मी के असरा से बचने के लिए चश्मा पहने वी सन ग्लासेज टू अवॉइड द इफेक्ट्स ऑफ हीट वी सन ग्लासेज टू अवॉइड द इफेक्ट्स ऑफ हीट ज्यादा गर्मी में पेट खराब हो सकता है यू कैन गेट स्टोमिक प्रॉब्लम हीट गर्मी बहुत ज्यादा सोना नहीं चाहिए गर्मी में बहुत ज्यादा सोना नहीं चाहिए यू शुड नॉट स्लीप टू मच इन द हीट दिन के वक्त धूप में ना निकले दिन के वक्त धूप में ना निकले डोंट गो आउट इन द सन ड्यूरिंग द डे आज बारिश हो रही है इट्स रेनिंग today. मौसम बहुत खुशगवार है the weather is very बारिश में बिगना मजे का होता है गेटिंग वेट इन द रेन इज फन छतरी लेकर जाना जरूरी है इट्स नेसेसरी टू टेक एन umbrella. सड़कें पानी से भर गई हैं द रोड्स आर फ्लडेड विद वाटर बारिश की वजह से मौसम ठंडा हो गया है द वेदर हैज बिकम कूल बिकॉज ऑफ द रेन द वेदर हैज बिकम कूल बिकॉज ऑफ द रेन बारिश का मौसम बहुत खूबसूरत होता है द रेनी सीजन इज वेरी ब्यूटिफुल बारिश की बूंदें प्यारी लगती हैं द रेन ड्रॉप्स लुक लवली बारिश की वजह से कीचड़ हो गया है देर इज मर्ड बिकॉज ऑफ द रेन बच्चों के लिए बारिश में खेलना बहुत मजेदार होता है प्लेइंग इन द रेन इज वेरी फन फॉर किड्स प्लेइंग इन द रेन इज वेरी फन फॉर किड्स बारिश में चाय पीना बहुत अच्छा लगता है इट्स नाइस टू हैव टी इन द रेन बारिश में ज्यादा देर बाहर ना रहें। डोंट स्टे आउटसाइड फॉर टू लॉन्ग इन द रेन कपड़े जल्दी गीले हो जाते हैं get wet quickly. बारिश की वजह से ट्रैफिक जाम है देर इज अ ट्रैफिक जैम बिकॉज ऑफ द रेन बरसात के मौसम में बीमारियां बढ़ जाती हैं Diseases इंक्रीज ड्यूरिंग द रेनी सीजन घर के अंदर रहना महफूज है छत पर पानी जमा हो गया है। डूरिंग द रेन ज्यादा बारिश की वजह से बिजली बंद हो गई है द इलेक्ट्रिसिटी इज आउट ड्यू टू हैवी रेन बारिश में पौधे ज्यादा हरे भरे हो जाते हैं प्लांट्स बिकम ग्रीनर इन द रेन बरसात में कीड़े मकोड़े ज्यादा हो जाते हैं इंसेक्ट्स इंक्रीज ड्यूरिंग द रेनी सीजन इंसेक्ट्स इंक्रीज ड्यूरिंग द रेनी सीजन बारिश की बूंदों की आवाज सुकून देती है द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप इज कामिंग द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स इज कामिंग बरसात के मौसम में हवाएं तेज चलती हैं वाइन ब्लो स्ट्रांगली ड्यूरिंग द रेनी सीजन वाइन ब्लो स्ट्रांगली ड्यूरिंग द रेनी सीजन बारिश की वजह से सर्दी लग सकती है यू कैन कैच अ कोल्ड बिकॉज ऑफ द रेन बरसात में सफर करना मुश्किल होता है ट्रैवलिंग इज डिफिकल्ट इन द रेनी सीजन सो ये थी आज की हमारा सेशन होप्स हो कि आपको ये लर्निंग के लिए सेंटेंसेस अगर आप याद करते हैं इनको रिपीट करते हैं तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग जो गर्मी में बारिश में और हब्स में ये अल्फाज आपकी यह सेंटेंस आपकी बहुत हेल्प करते हैं इसके अलावा हॉवर्ड अकेडमी के प्लेटफॉर्म से आप सी एस एस बाकी सिविल सर्विसेज के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट हावर्ड अकेडमी डॉट कॉम विज़िट कर सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और हर आने वाली वीडियो को लाजमी तौर पर टाइम दिया करें ताकि आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो सके अलाफ़